ऐसे ही लाइफ में अगर हमें कुछ भी करना है तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. दिस शुड बी वेरी क्लियर. हम कुछ भी करेंगे, चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, कोई रिलेशनशिप है, अकेले कोई रिलेशन नहीं चलता है. ये तो बात है. ये तो बात है भैया. आज किया है ना दीजिएगा. सो अकेले कुछ नहीं होता है लाइफ में. प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारा मैं बहुत बड़ा हो जाता है. मैं ये, मैं वो, मैं. वो लोग हमेशा दुखी मिलेंगे आपको लाइफ में. जो हम बोलेंगे वो कभी भी दुखी नहीं मिलेंगे. अगर एक शू बोले कि मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं मतलब शू बेकार, कचरा. एक अकेला शू मतलब गार्बेज. उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डालो, किसी काम का नहीं है. कितना मर्जी महंगा हो, अकेले शू की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. तो पेयर में चलता है. ऐसे ही जितने आप इस मैं वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकालते चले जाओगे और हम वर्ड को अपनी डिक्शनरी में लगाते चले जाओगे, रिलेशनशिप में तो हम है, फैमिली हम है. मैं नहीं कि मुझे ये ठीक लगता है तुम्हारे लिए, तुम बच्चों मैं बड़ा हूं तो मैं यही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है. मैं नहीं. फिर क्या होगा? ऊपर ऊपर से तो रिलेशन बन जाएगा, अंदर से डीपली नहीं बनेगा कभी भी. ये जो रिलेशनशिप में हम हैं, तो इस रिलेशनशिप में रह करके मैं तेरे पे एहसान नहीं कर रहा हूं, ये हम दोनों की जरूरत है. ऐसे अगर हम सोचे तो बड़ा कमाल का कुछ हो सकता है. फिर उससे क्या होगा? हमारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी. जैसे मैं निकलता है ना हमारी डिक्शनरी में से, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है. हम में मैं भी आ गया. और जो मैं करते हैं बकरी की तरह हटा दिया. काटते हैं बकरी को, काटते हैं ना. अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी है जी. शाबाश, शाबाश. देखो मैं काम करते हैं बकरी, बकरा है ना. तो क्या होता है बकरे की हालत? हलाल हो जाता है, कट जाता है. बट हमको कैसे काटोगे? नॉट पॉसिबल. यूनिटी. हम बकरे को काटते हैं, बकरा हमें थोड़ी काटता है. क्यों? क्योंकि बकरा मैं है, हम है, बाकी सब जगह पानी कम है. वाह वाह. आगे भी अर्ज करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा माहौल बनने दो. बताइए. हम जब भी न्यू शूज परचेज करते हैं तो एट द बिगनिंग वो हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक काटते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं. एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं. एट द सेम प्लेस लाइक लाइफ में कोई भी न्यू थिंग्स आती हैं, देन हमें डरना नहीं चाहिए. प्रॉब्लम होंगी एट द बिगनिंग, बट अगर हम डेली उसे कैरी करते हैं, हम अच्छे से उसको हैंडल करते हैं, देन इजी हो जाएगी लाइफ. वेरी नाइस, एक्सीलेंट पॉइंट. लेट्स गो बिगिन फॉर अस. हमारा एक कंफर्ट जोन होता है. जूते जब भी हम चेंज करते हैं तो जैसे ही चेंज करते हैं पहला थॉट क्या आता है? यार वो पहले जितना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले में हम कंफर्टेबल हो चुके होते हैं. और शुरू में जब नया लेते हैं तो कभी परफेक्ट कभी भी फिट नहीं होता है कोई भी शू. चलने में कभी कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है. लेकिन अगर हम वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखें, लाइफ में जैसे ही हम किसी भी नई सिचुएशन में एंटर करते हैं, नई रिलेशनशिप में, नई जगह पर जाते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो वहां पर एक बार को हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. लेकिन उस वक्त अगर हम पेशेंस रखें, उस वक्त हम जल्दी में कोई डिसीजन ना लें. ये नहीं कि एकदम से हमने कुछ करना शुरू किया, जैसे कोई एक्सरसाइज करनी शुरू करी, थोड़ा सा दर्द हुआ, चल भाई छोड़, मैं नहीं करूंगा. होता है ना, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है. या कोई नया एकदम से काम किया, हो रहा नहीं है, जैसे सपोज गिटार बजाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द हुआ थोड़ा सा, छोड़ना कौन सीखेगा. तो ऐसा बंदा लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा. तो शुरू में हम कुछ भी करेंगे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जा करके, तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगी. जैसे जूते को टाइम लगता है थोड़ा सा फिट होने के लिए, तो उस टाइम पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जल्दीबाजी में हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है. थोड़े दिन का अगर हम पेशेंस रखते हैं तो धीरे धीरे हम एडजस्ट कर जाते हैं. जैसे वो शू उसके हिसाब से, हमारे पैर के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है. फिर भी नहीं करता है तो फिर बदल दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया. बट कुछ टाइम का पेशेंस रखना जरूरी है. शू का बेस होता है सोल, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर उसका सोल ही नहीं होगा तो शू बनेगा ही नहीं. जैसे एक बिल्डिंग के लिए एक नींव रखी जाती है, तो अगर तो सबसे ज्यादा उसे ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. Let's go big hand for us. शू का जो सोल है, SOLE वाला, वो उसका सोल है, SOUL वाला. सोल बेकार तो शू बेकार किस काम का है? अगर किसी शू में सोल ही स्ट्रांग नहीं है, पड़ जाएगा एक दो दिन के अंदर अंदर. ऐसे ही हमारा जो सोल है, SOUL वाला, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. सोल का मतलब होता है मैं,
ये लोगों को पता नहीं है, वो कुछ और ही इमेजिन करते रहते हैं. सोल का मतलब समझते हैं आत्मा है, यहाँ से निकलेगी हम मरेंगे, उड़ती हुई जाएगी, वो इस शेप की होगी, वो आके ऐसे ऊपर से देखेगी लोगों को, लोग रो रहे हैं, ये सब नहीं है. सोल का मतलब क्या होता है, मैं जितना अंदर से स्ट्रांग हूँ उतना ही मैं इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, अनलिमिटेड आने वाली है, उसको अच्छे से फेस कर सकता हूँ. तो खुद के ऊपर काम करना है, यही मैं अपने हर सेशन में बार बार बोलता हूँ तोते की तरह. सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या, खुद के ऊपर काम करना है. दुनिया को अगर आपने अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप परेशान हो जाओगे, खुद को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे, तो दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी. लेकिन अगर आपने खुद को तैयार कर लिया इस दुनिया के लिए तो दुनिया आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती. कुछ भी हो जाए इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.